ओके बॉयज एंड गर्ल्स, ये है वीडियो नंबर 23 और हम शुरू करेंगे वाक्य नंबर 4 से, बराबर। माय फ्रेंड सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग द फर्स्ट प्राइज, बराबर। ये जो कॉन्ग्रेचुलेशंस और थैंक यू वाली जो वाक्य रचना होती है ना, बराबर, वो थोड़ी अलग है। तो वो जरा है ना, इस प्रकार के वाक्य के जवाब आप लिख लो, बराबर, कॉपी में लिख लो, तो आपको आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं एकदम इजी वे में आपको सरलता से समझा देता हूं। बोलनार माय फ्रेंड, रिपोर्टिंग वर्ब बन जाएगा कॉन्ग्रेचुलेटेड। हाँ, थैंक यू का थैंक और कॉन्ग्रेचुलेशन का कॉन्ग्रेचुलेटेड। फरी बार लिखो, माय फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, बराबर। और इसमें संयोजक दैट या टू आएगा नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन आगे निकल जाएगा। अब फॉर से वाक्य का जोड़ दो, फॉर विनिंग द फर्स्ट प्राइज, ओके, इस तरह से। पांचवा वाक्य, काव्या सेड टू मी थैंक यू फॉर योर काइंड हेल्प, बराबर। तो बोलनार काव्या, थैंक यू का हो गया थैंकड़, सांभलनार मी, बराबर, कोई संयोजक आएगा नहीं, थैंकड़ मी, फॉर, अब गिनो, यू यू योर, और सांभलनार मुजब आई मी माई, तो योर का हुआ माई, काइंड का काइंड और हेल्प का हेल्प। फरी बार, यू यू योर, कोना मुजफ्फर है सांभलनार, सांभलनार कौन छे मी, मतलब आई का रूप, मी आई का रूप है, तो आई को तीन स्थान तक ले जाओ, आई मी माई, उस हिसाब से योर का हुआ माई, काइंड का काइंड और हेल्प का हेल्प, बराबर। और बच्चों, इसके नीचे एक बहुत बड़ा टेबल दिया है, इस प्रकार का टेबल दिया है, बराबर बराबर। तो उसको आपको है ना एक बार लिख भी लेना है, डायलॉग्स में वपराता वधाराना रिपोर्टिंग वर्ब एवं छे। इस टेबल को आपको एक बार लिखना है और याद भी कर लेना है, बराबर। इन शॉर्ट, यहाँ पे आप लोगों की डायरेक्ट इनडायरेक्ट की थियरी कंप्लीट, बराबर, थियरी कंप्लीट, ओके। और बाकी के जो रूल्स मैंने आपको बहुत सारे, मतलब मेन चाबियां मैंने आपको लिखवाई है, बराबर, हम थोड़ी बहुत उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। कैसे, तो वो आपके पास पूरी थियरी है ही, लास्ट ईयर की जो थियरी है ना, बराबर, वही आपको फॉलो करनी है, बराबर। अगर मान लो बेटा आपके पास एक 200 पेज की एक लंबी कॉपी हो, लॉन्ग बुक हो, बराबर, तो उसमें आप वो जो लास्ट ईयर के जो रूल्स है, जिस तरह से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इस साल पढ़ाया, तो वो जो लास्ट ईयर की आपको मालूम है ना, मैंने टेबल 1 2 3 आपको लिखवाया, बराबर, और जो रूल्स लिखवाए, तो वो आप थियरी है वो रिपीट कर देना। मैं थियरी की बात कर रहा हूँ, कोई डायलॉग की बात नहीं कर रहा हूँ, थियरी की बात कर रहा हूँ। डायलॉग तो इस साल के रहेंगे, मतलब 10वीं वालों को 10वीं के ग्रामर के रहेंगे और 12वीं वालों को 12वीं के ग्रामर के रहेंगे, जो अभी आपके पास नहीं है, डायलॉग नहीं लिखने हैं, बराबर। तो थियरी अब जो अगर आप लिख लोगे तो भी चलेगा, तो अच्छा रहेगा, बराबर। अब मैं थोड़े बहुत थोड़े बहुत रूल्स की मैं बात करूँ, तो मान लो कि प्लीज वाली रचना, बराबर, तो प्लीज वाले, मान लो कि प्लीज वाला वाक्य हो, तो आप कैसे बनाओगे, तो आप लिख लो या देख लो, है आपके पास बोलनार, रिक्वेस्टेड, सांभलनार और संयोजक रहेगा टू, और प्लीज को निकाल देना है। अगर आप प्लीज को निकाल दोगे तो उसके बाद वर्ब ही आएगा, प्लीज हेल्प मी, उस प्रकार से, तो प्लीज को निकाल दोगे, बराबर, तो बाकी बाजू में जो वर्ब है वर वहां से ही आपको वाक्य को जोड़ देना है। प्लीज वाली वाक्य रचना में संयोजक रहता है टू और हेल्प का हेल्प नहीं करना है, मतलब V1 का V2 नहीं करना है, उस प्रकार से, बराबर। अब मान लो कि प्लीज इस प्रकार से जो नियम आपके पास है ना, जो चाबियां है ना, मैंने आपको सब रूल्स लिखवाया, बराबर, तो वो आपको एक बार देख लेनी है, बराबर। और बाकी को मैं क्या करूँगा कि आप लोगों को मैं 5-7 डायलॉग जो है, बराबर, 5-7 जो डायलॉग है
वो मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, बराबर। तो वो हम हमारे पास जब डायलॉग में जब ये वाक्य आएगा ना, डायलॉग मतलब प्रश्न में जो वाक्य आएगा ना, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, बराबर। तो उसकी डिस्कशन हम आगे जाकर करेंगे, बराबर। तो बच्चों अब इसके बाद का जो वीडियो है, वीडियो नंबर 24, बराबर, वीडियो नंबर 24 में मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज की डिस्कशन करने जा रहा हूँ, बराबर। तो आप मेरे साथ ही रहिएगा और बराबर ध्यान से सुनिएगा, बराबर, समझिएगा, सुनिएगा।